तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के उस स्वागत के साथ जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। अमेरिका के बाद मिस्र पहुंचे पीएम मोदी का वहां शनिवार को जोरदार स्वागत किया गया है। अपने मिस्र दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी आज दाऊदी बोहरा समुदाय के एक मस्जिद अल हकीम में भी पहुंचे और मस्जिद का निरीक्षण भी किया। यहाँ दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया है। मोदी को स्मृति चिन्ह भेंट दी गई। मोदी ने यहां दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों से बात भी की। मस्जिद को दोबारा बनाने में दाऊदी बोहरा समुदाय का बड़ा योगदान रहा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव स्थित में युद्ध स्मारक का दौरा किया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित भी की है और इसी स्मारक को उन 4000 भारतीय सैनिकों के स्मारक के रूप में जाना जाता है जो प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र और फलिस्तीन में शहीद हो गए थे।